हम दिखाएंगे आपको वो खबरें जिनका होगा जनता से सीधा संबंध। आप देख रहे हैं राजनीतिक हलचल और मैं हूं आपके साथ पवन मीडिया। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। किसान आंदोलन के दर्द को ताज़ा कर देने वाली खबर आ रही है मंदसौर जिले से। मंदसौर जिला जो कि किसान आंदोलन का केंद्र रहा है, जिस आंदोलन को सीढ़ी बनाकर कांग्रेस सत्ता में आई, चुनाव के समय और उससे पूर्व कांग्रेस द्वारा आंदोलन के समय रहे अधिकारी कर्मचारियों को दोषी और हत्यारा तक बता दिया गया था, परंतु उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति कांग्रेस सरकार में होना कांग्रेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। आंदोलन के समय मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी थाने में पदस्थ रहे अनिल सिंह ठाकुर की पदोन्नति मंदसौर जिले में राजनीति को गरमा रही है। राजनीतिक हलचल से बातचीत में अनिल सिंह ठाकुर की पदोन्नति को लेकर भाजपा नेता ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उच्च पद पर बिठाए गए हैं, इस मामले को लेकर आप क्या कहेंगे? ये कांग्रेस की दोगली नीति दर्शाती है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के कालखंड के समय पिपलिया मंडी में जो किसान आंदोलन हुआ था, प्रशासनिक चूक के कारण उस आंदोलन के बाद उस टीआई को निलंबित कर दिया गया था, एसपी और कलेक्टर को वहाँ से हटा दिया गया था। उसके बाद जिस प्रकार से इस प्रदेश में उस किसान आंदोलन के नाम पर पूरे प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया था और पूरे मध्य प्रदेश का माहौल बिगाड़ा था, उसके बाद में जब हमने देखा कि एक साल हो गए कांग्रेस की सरकार आ चुकी है, उसके बाद भी उस समय के दोषी जो अधिकारी थे जिनको हटा दिया गया था उनको पुरस्कृत करने का काम कांग्रेस लगातार कर रही है। मैंने भी मीडिया से और पत्रकार भाइयों के माध्यम से सुना कि उस समय के तत्कालीन टीआई अनिल सिंह ठाकुर को डीएसपी बना दिया गया, जो कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता हो तो एसडीएम उस समय के तत्कालीन एसडीएम भंडारी जी को भी निलंबित कर दिया था, उनको भी वापस मंदसौर में पदस्थ किया गया था, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के दबाव के कारण उनको वापस हटा दिया गया। यह कांग्रेस की दोगली नीति को दर्शाता है। कांग्रेस उस समय पूरी तरह से किसान आंदोलन में सम्मिलित थी, इस बात का प्रमाण इस बात से मिलता है कि उस समय के कर्मचारियों को कांग्रेस पदोन्नत कर रही है और पदोन्नत करने के साथ साथ उनके अच्छे पदों पर बिठाकर यह बताना चाहती है कि वह कांग्रेस किसान आंदोलन में पूरी तरह शामिल थी। आपको क्या लगता है जो 6 किसान मरे थे उनके साथ कुल मिलाकर कुछ कहीं ना कहीं ये अन्याय हो रहा है? उस समय जो 6 किसानों की दुर्घटनावश जो घटनाक्रम हुआ था उसका प्रशासनिक अमला दोषी था और दोषी अमले को उस समय पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने हटा दिया था। वह एक दुर्घटना थी और उसके साथ शिवराज सिंह चौहान की सद्भावना थी और उसके बाद भी प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भी संभव हो सका उन किसानों के लिए करने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति करी, बदनामी करी और बदनामी करने के साथ साथ पिपलिया मंडी के मामले को पूरे प्रदेश में उठाकर पूरे प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाकर सत्ता हत्या ली और सत्ता हत्याने के बाद उन अधिकारियों को पुरस्कृत करने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है।